नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी हेल्प डेस्क में। सीएससी हेल्प डेस्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई श्रम सर्विस के बारे में। अगर आप एक सीएससीविल हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, सीएससी के माध्यम से ई श्रम सर्विस में अगर आप काम कर रहे हैं और आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आप वेबसाइट पर एरर देख पा रहे हैं और कार्ड को नहीं बना पा रहे हैं, तो किस तरीके से आप ई श्रम सर्विस के माध्यम से कार्ड बना पाएंगे, इस ऐसे में आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ। इस तरह की सेटिंग करके आप ई श्रम सर्विस में काम कर पाएंगे और आप भी कस्टमर का ई श्रम कार्ड बड़ी आसानी से आप बना पाएंगे। तो वीडियो पे आप बने रहिए, वीडियो पे हम पूरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप सीएससी हेल्प डेस्क चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि सीएससी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सकें। सबसे पहले आपको ई श्रम की जो वेबसाइट है वो मोजिला फायरफॉक्स में ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ऊपर में लॉक का बटन आपको देखने को मिलता है। लॉक के बटन के ऑप्शन पे आपको क्लियर क्लिक करना है और वहाँ से आपको जो कुकीज़ जो नज़र आती हैं उस कुकीज़ को यहाँ पे क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन शो होगा। वहाँ पर आपको अपनी CSC ID, देन आपका जो पासवर्ड है और नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वो फिल करके लॉगिन कर लेना है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको मोजिला फायरफॉक्स में ही ई श्रम का काम करना है, आप क्रोम में न करें, क्योंकि क्रोम में एरर आपको देखने को मिलेगा। आप मोजिला फायरफॉक्स में ही ये प्रोसेस दोहराएं और प्रोसेस को मोजिला फायरफॉक्स में ही आप कार्ड बनाएं। तो यहाँ पे हमने CSC ID डाल दी है, पासवर्ड डाल दिया है और कैप्चा फिल कर लिया है और हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारा ई श्रम पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कि CSC से यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है। कनेक्टेड होने के बाद यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे कार्ड बनाने से पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको एक लॉक का बटन ऑप्शन देखने को मिलता है। आप ऊपर में ही देखेंगे, वहाँ पे लॉक के बटन पे आपको क्लिक करते हुए वहाँ पे जो भी कुकीज़ बनती हैं उनको क्लियर करना है। क्लियर अगर क्लियर आपने कर ली है तो आपको UN रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। UN रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो आपका आधार से अटैच मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टेप यहाँ पे प्रोसेस लाइव करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने फिल कर लिया है। फिल करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है नीचे, वो कैप्चा कोड यहाँ पे हमने फिल कर लिया है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद नीचे की तरफ आपको दोनों जगह नो नो रहने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे हमने OTP पे क्लिक किया है यहाँ पे हमारा OTP सेंड हो चुका है। बहुत सारे बिजली के यहाँ पे एरर आपको एरर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें किसी प्रकार का कोई भी एरर देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे बिजली यही प्रोसेस करते हैं और यहाँ आने के बाद उनको एरर शो होता है। यहाँ पे हमें एरर प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा सफलतापूर्वक OTP आ चुका है। OTP फिल करने के बाद सबमिट पे जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारा आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन भी हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे हमने हमारा आधार नंबर भी एंटर कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे हम आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे हम OTP चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम OTP चूज़ कर लेते हैं और OTP चूज़ करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसी कैप्चा कोड को यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम कैप्चा कोड को फिल कर लेते हैं और यहाँ पे हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हमारा यहाँ पे खुल चुका है। जैसे कि हमने यहाँ पे कार्ड बना लिया है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा पूरा डैशबोर्ड प्रोफाइल खुल चुका है। यहाँ से अगर हमने पहले से बना रखा था दोस्तों, इसलिए यहाँ पे हमारा प्रोफाइल खुल चुका है। अगर नहीं बनाएंगे तो आपको कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। तो यहाँ पे हम डाउनलोड कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमने बना हुआ है वो कार्ड यहाँ पे शो होगा। इस कार्ड को यहाँ पे हम देख सकते हैं और यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ यहाँ पे आप देख लेंगे, अगर आप अपडेशन करना चाहते हैं तो अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, एजुकेशन व इनकम, ऑक्यूपेशन एवं बैंकिंग डिटेल्स एवं प्राइवेट प्रीव्यू प्रोफाइल्स पे भी आप क्लिक करके सारे डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट यहाँ से आप कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों, आप ई श्रम का अगर आपको एरर आ रहा है तो आप मोजिला फायरफॉक्स में एक बार ट्राई जरूर करें, वहाँ से आप कार्ड बड़ी आसानी से आप बना पाएंगे।